दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भीम स्टडी में। मैं मनोज कुमार आज आपके लिए संविधान का बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके आने वाली जैसे परीक्षा हैं, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, UP पुलिस में जो 52,000 वैकेंसी आने वाली है दोस्त, ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, और आपके SSC में भी ये संविधान से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम आपके लिए संविधान के इतने अच्छा चैप्टर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। मैं आपको संविधान एक इतने अच्छे माध्यम से पढ़ाऊँगा जिसमें से आपके एक भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में नहीं छूटेंगे दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूले दोस्तों। देखते हैं आज संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की शुरुआत कब हुई और कैसे कैसे भारतीय संविधान को हमारी उसमें लाया गया दोस्तों, उसके लिए कैसे कैसे काम किए गए, आज हम आपको संविधान बहुत अच्छे रूप से पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे कैसे किया गया दोस्तों, और इसकी मांग कैसे कैसे की गई, तो देखते हैं। संविधान सभा की मांग देखिए दोस्तों, संविधान सभा की मांग कैसे कैसे हमारे देश में रखी गई है। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग रखी, और भारतीय संविधान सभा में जैसे इसकी मांग रखी गई तो 1924 में भारतीय संविधान सभा की मांग रखी गई ब्रिटिश सरकार के उसमें, और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी इसका नाम रखा गया, और स्वराज पार्टी जो बनी थी वो कांग्रेस से अलग होकर बनी थी दोस्तों। और इसके बाद इस पार्टी ने सबसे पहले 1924 में भारतीय संविधान सभा की मांग रखी, असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। और उसके बाद 1924 में जब इन्होंने ये मांग रख दी, उसके बाद 1934 में एमन राव ने भारतीय संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखी, और इसको भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने भारतीय संविधान सभा की मांग रखी और एक अधिनियम बनाया गया, अधिनियम 1935, जिसका भारतीय संविधान सभा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसमें से 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान सभा में जो रहे रखे गए थे दोस्तों, और हमारे संविधान में 250 अनुच्छेद जो बनकर इसमें तैयार हो गए थे, जिसका नाम था अधिनियम 1935। संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी नियम का पड़ा था, और इस नियम के अनुसार ही 1935 में कांग्रेस सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीय संविधान सभा की मांग रखी थी दोस्तों। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की मांग रखी, और इसको भी क्या कर दिया गया दोस्तों, खारिज कर दिया गया। उसके बाद 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और सारी सारी जितनी भी मांगे रखे जा रही थी वो सारी सारी क्या कर दी, खारिज कर दी गई, और सारे राष्ट्र मिलकर एक युद्ध में लग गए जिसका नाम था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी दोस्तों, जिसमें बहुत सारे राष्ट्र आपस में मिलकर लड़ रहे थे। इसमें एक राष्ट्र था ब्रिटिश, ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमारे भारतीय लोग यानी कि जो रेजिमेंट में थे उनके लोग सेना में काम कर रहे थे, लगभग 5,000 लोगों ने ब्रिटिश का पूर्ण रूप से सहायता करी थी दोस्तों, और ब्रिटिश को एक पूर्ण रूप से जिताने का काम किया था। तो इसमें कैसे उसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद 1945 को क्या हुआ, 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों,
तो ब्रिटेन की हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई, और ब्रिटेन के हालात जैसे नाजुक हो गई तो ब्रिटेन में सरकार बनानी थी। तो क्या हुआ, 26 जुलाई 1945 को लेबर पार्टी सत्ता में आई, लेबर पार्टी सत्ता में आई ब्रिटेन में। ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई दोस्तों, और जैसे लेबर पार्टी सत्ता में आई तो वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए, यानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बनाए गए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैलीमेंट एटली को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया दोस्तों। और जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैलीमेंट एटली बने, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे देश के 5000 सैनिकों ने जो उनका सहयोग किया था उसके रूप में एक घोषणा की, और उन्होंने क्या करा, 15 फरवरी 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा कर दी। कैबिनेट मिशन भारत में भेजने की घोषणा की गई 15 फरवरी 1946 को। और जैसे कैबिनेट मिशन भारत में भेजने की घोषणा की गई, भारत में कैबिनेट मिशन कब, कैलीमेंट एटली ने भारत में कैबिनेट मिशन घोषणा की जो की थी 15 फरवरी 1946 की थी, जो भारत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कैबिनेट भारत पहुंच गया दोस्तों। और जैसे ही भारत में कैबिनेट मिशन पहुंचा, तो भारत में कैबिनेट मिशन पहुंचने का काम क्या था और ये क्यों यहां पे आया था। कैबिनेट मिशन के अनुसार इसमें तीन सदस्यों का नाम क्या क्या रखा गया। इसमें पहला नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है दोस्तों, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आए। एक नाम था पैथिक लॉरेंस, एक व्यक्ति का नाम था पैथिक लॉरेंस, और एक का नाम था ए बी एलेक्जेंडर, एक व्यक्ति का नाम था इसमें ए बी एलेक्जेंडर। जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वे जो क्या थे, वे थे इसके अध्यक्ष। इन्होंने इसमें अध्यक्षता की थी। और पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत मंत्री के रूप में कार्य किया था, और जो आपके एबीजे अलेक्जेंडर थे ये इसमें सदस्य थे। अब इन्होंने यहाँ पे आके एक बात रखी, और उस बात को कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, जब तक कि पूरे भारत के जितने भी प्रांतें हैं, रियासतें हैं, वो सारे एक मिलकर ना हो जाए, तब तक कि भारतीय संविधान यहाँ पे बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, और यहाँ पे संविधान सभा का गठन नहीं किया जा सकता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि सारी रियासतें और जितने भी अलग अलग प्रांतें बटी हुई है, मैं इनको सबको मिलाने का काम करूंगा। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लोहे पुरुष के नाम से जाना गया, क्योंकि उन्होंने सारी रियासतों को क्या किया, मिलाने का काम किया, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही सारी रियासतें आपस में मिली, और सारी रियासतें जब आपस में मिल गई, तो भारतीय संविधान सभा का पूर्ण रूप से गठन किया जा सकता था। तो ऐसे वक्त में हैदराबाद जो रियासत थी, उन्होंने संविधान सभा में मिलने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था, और हैदराबाद एक ऐसी रियासत रही है जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो इसके लिए क्या किया गया दोस्तों, इसके लिए चुनाव किया गए। और चुनाव कैसे हुए, चुनाव कब हुए और कैसे हुए, तो इसमें जो चुनाव किए गए वो किए गए जुलाई अगस्त में इसके चुनाव हुए। 296 सीटों पर चुनाव किए गए, 200
पे दोस्तों इसके चुनाव हुए और 296 सीटों पे जुलाई अगस्त में जब इसके चुनाव किए गए तो उनमें जो सीटें मिली थी इसमें से 208 सीट कांग्रेस को मिली, 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और 8 सीट अन्य को मिली और इसमें से 7 सीट अवैध घोषित हुई थी। ठीक है दोस्तों, 208 सीट कांग्रेस को, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली थी, वो अन्य को मिली थी और 7 सीट इसमें क्या हुई थी दोस्तों, अवैध घोषित हो गई थी। 208 सीट किसको मिली, कांग्रेस को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली, 8 सीट अन्य को मिली, 7 सीट इसमें अवैध पूर्ण रूप से घोषित हो गई थी दोस्तों। तो जैसे ही इसके चुनाव खत्म हुए और जीत किसकी हुई, कांग्रेस की हुई, तो जैसे कांग्रेस की जीत हुई तो इसके लिए हमने क्या किया, असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया। तो असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो गठन किया गया वो कांग्रेस के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, अगस्त 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अब भारतीय संविधान सभा भी बनेगी दोस्तों, तो भारतीय संविधान सभा जब बनी तो उसे में चलाने के लिए सदस्यों की जरूरत थी। 208 सदस्य इसके चुन के आए थे कांग्रेस के, 73 सदस्य आपके मुस्लिम लीग के चुने हुए थे, तो इन सब की एक मीटिंग करनी थी। तो मीटिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है सलाहकार की, तो सलाहकार चुना जाता है। तो इसके अंदर एक सलाहकार चुना गया और उस सलाहकार का नाम था संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसी भी मीटिंग को, किसी भी सभा को चलाने के लिए एक सभाकार की बहुत जरूरत होती है जो कि हमारी सलाह देने का काम करता है। सलाहकार के बिना कोई भी मीटिंग, संवैधानिक सलाहकार जिसे बनाया गया था उसका नाम था वी एन राव को, यानी कि इसका पूरा नाम था वैगनर नरसिंह राव को भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और संवैधानिक सलाहकार का कार्य होता है कि वो अच्छे अच्छे संविधान से जुड़ी हुई जितनी भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत पड़ रही थी उनकी सहायता कर सके और अच्छी अच्छी अपनी सलाह दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक संवैधानिक सलाहकार बना लिया अपनी संविधान सभा के अंदर। और जब संविधान सभा के अंदर एक संवैधानिक सलाहकार बनाया गया तो हमारी पहली बैठक कब बैठी थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई तो उसके अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इसके अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और जो हमारी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को उसकी अध्यक्षता करने का काम किया डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ठीक है, और यह बैठक हुई थी कहाँ पे, दिल्ली। और इसकी जो बैठक हुई थी दिल्ली में काउंसिलिंग चैम्बर पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक रखी गई थी। और संविधान सभा की प्रथम बैठक रखी गई थी 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो उसके अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। और यह बैठक हुई थी दिल्ली के काउंसिलिंग चैम्बर पुस्तकालय भवन में, यहाँ पर यह बैठक हुई थी। और इस बैठक का बहिष्कार
मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया था और यह बैठक नहीं चल पाई थी। समझ में आ गया दोस्तों आपको। 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई। जब भारतीय संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई और इसके स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। द्वितीय बैठक के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से इसके संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना को प्रस्तुत किया और प्रस्तावना को जैसे प्रस्तुत किया गया, प्रस्तावना कहाँ से ले रखी है तो प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। जो अगला आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको प्रस्तावना के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ाऊंगा प्रस्तावना वास्तव में क्या थी। अभी हम सिर्फ यही तक पढ़ते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत की।